वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जब सत्ताधारी कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय हुई, तब प्रदेश कांग्रेस को हार की सदमे से बाहर निकालने के लिए तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के सबसे युवा मंत्री एवं पार्टी की एक नई उम्मीद सचिन पायलट को राजस्थान भेजा गया। अपने सीनियर और प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भांति सबसे युवा पीसीसी चीफ बनने का मौका पायलट को मिला तो लोग उन्हें गहलोत का विकल्प मानने लगे। पायलट भी कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने घोर निराशा में डूबी प्रदेश कांग्रेस में नई जान फूंकी। उसे न केवल आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, बल्कि अपनी कमान में उसे प्रदेश की कमान संभालने के काबिल बनाया। उनके नेतृत्व में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली। उस वक्त सियासी हलकों में वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए घटनाक्रम के दोहराए जाने की संभावनाएं जताई जाने लगी। आपको बता दें 1998 में कांग्रेस को प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली। मुख्यमंत्री पद के लिए काफी जोर आजमाइश हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर व जगन्नाथ पहाड़िया तथा दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेना जैसे वरिष्ठ नेताओं को पछाड़कर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्टी के युवा नेता अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसी तरह 2018 में भी इतिहास दोहराने की बात चली। लगभग तय माना जा रहा था कि युवा दिलों की धड़कन एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने भी सचिन को पीसीसी चीफ बनाते समय अगला मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई दिनों की गहमा गहमी के बाद आखिर पायलट का प्लेन धरातल से उठ नहीं पाया। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, या यूं कहें कि वह बाधा आ गई थी जिसने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, इसकी खोजबीन चुप्पी तौर ने की है। खोजबीन सीरीज के 3 एपिसोड में हम इस प्रकरण में कई नेताओं की भूमिका पर चर्चा कर चुके हैं। आज की एपिसोड में सचिन की राह के सबसे बड़े रोड़े की चर्चा, सचिन को मुख्यमंत्री बनने से रोकने में ये कैसे सफल हुए, इसकी मुख्य वजह कौन सी रही, क्या सचिन पायलट को अपने पिता के कारण सीएम की कुर्सी नसीब नहीं हुई, अथवा पायलट को रोकने में खानदानी दुश्मनी का क्या रोल रहा, इन्हें जानने के लिए देखिए हमारा पूरा वीडियो। आप जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। सचिन की राजनीतिक पटकथा में सबसे बड़ा खलनायक उसी नेता को माना जाता है जो सचिन की तरह कम उम्र में केंद्रीय मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष जैसे पदों पर रहकर युवाओं की उम्मीद का केंद्र बन गया था, जिसे उस समय राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा हीरो माना गया। वही नेता जिसने युवावस्था में ही अपने सियासी कौशल से बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी थी। वही नेता जिसने प्रदेश में पहली बार किसान वर्ग को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। वही नेता जो कठोर निर्णयों के साथ साथ सर्वाधिक संवेदनशील फैसलों के लिए भी जाना जाता है, जिसे मारवाड़ का गांधी पुकारा जाता है, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस संगठन के शीर्ष तक मजबूत पकड़ रखता है, जो जननायक के रूप में जनता के दिलों में अपनी पैठ जमाए हुए है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी तथा संजय गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त नेताओं में शुमार किया जाता रहा है, और जिसे देश में सियासी जादूगर के नाम से पहचाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। चुनाव के बाद तेज तर्रार युवा तुर्क, आत्मविश्वास से लबरेज और लुभावने व्यक्तित्व के धनी सचिन पायलट का सामना ऐसी ही दिग्गज शख्सियत से होना था। पायलट भी इससे वाकिफ थे, इसीलिए वे अपने तमाम अस्त्र शस्त्र लेकर मुकाबले को तैयार थे। पायलट
गहलोत को पटकनी देने ही वाले थे कि उनके कुछ साथी जयचंद बनकर उनकी कार सेवा कर गए और पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जबकि गहलोत ने तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाल ली। अशोक गहलोत ही वो शख्स हैं जिन्होंने सचिन पायलट के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। गहलोत के कारण ही पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अब आपको बताते हैं कि सचिन को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की ठाने बैठे गहलोत को पायलट पसंद क्यों नहीं है। इसकी 5 प्रमुख वजह हैं। गहलोत के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की सबसे बड़ी वजह है पायलट परिवार और अशोक गहलोत की पुरानी सियासी अदावत है। दोनों परिवारों में राजनीतिक दुश्मनी सचिन पायलट के जन्म के समय से चली आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन के पिता राजेश पायलट और अशोक गहलोत ने यूं तो सियासी सफर एक साथ शुरू किया था। दोनों का राजनीतिक कार्य क्षेत्र राजस्थान ही था, लेकिन दोनों नेताओं की आपस में कभी नहीं बनी। दोनों एक दूसरे को सहमत देने में लगे रहते थे। मजेदार बात यह है कि तब भी सियासी जादूगर गहलोत की ही जीत हुई थी। सचिन के बाप को पटखनी दे चुके गहलोत के सामने बेटा आखिर कहां ठहर पाता। अशोक गहलोत आपातकाल के तुरंत बाद 1977 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। उन्होंने 1980 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से जीतकर अपने सियासी करियर को प्रारंभ किया। तो उस समय वायुसेना में पायलट राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुए, ने भी नौकरी छोड़कर राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद चुने गए। सियासी महत्वाकांक्षाओं ने दोनों नेताओं में प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। दोनों एक दूसरे से बड़ा नेता बनना चाहते थे। अशोक गहलोत संसद सदस्य होने के साथ साथ पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी कई बार संभाल चुके, साथ में कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। तो उधर राजेश पायलट भी देश की राजनीति में चर्चित चेहरे बनते जा रहे थे। किसान नेता के तौर पर राजेश पायलट की पहचान स्थापित हो रही थी। दोनों ही नेता गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन आपस में दोनों के रिश्ते मधुर नहीं थे। गुटबाजी और कड़वाहट हमेशा चलती रही। यह गुटबाजी 1993 में पहली बार खुलकर सामने आई। राजेश पायलट नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री थे। अशोक गहलोत उस समय जोधपुर से सांसद थे। जोधपुर में मुख्य डाकघर भवन का उद्घाटन होना था, लेकिन गृह एवं संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद अशोक गहलोत को इस कार्यक्रम का न्योता ही नहीं दिया गया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो गहलोत समर्थकों ने पायलट से पूछ लिया कि जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत कहां हैं। इस पर पायलट का जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राजेश पायलट ने कहा कि यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। उनका यह कहना उस वक्त काफी चर्चा में रहा। इसके बाद 1998 के विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में कांग्रेस रिकॉर्ड 153 सीटें जीतकर सत्ता में आई, लेकिन अशोक गहलोत उस समय जोधपुर से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो विधायक नहीं थे। लेकिन आलाकमान उनको फिर भी मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। गहलोत को रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद माथुर से लेकर दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेरणा जैसे कई मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को आगे किया गया। राजेश पायलट ने उस समय कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत विरोधी गुट का साथ दिया था और उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। हालांकि गहलोत ने पायलट व उसके सहयोगियों को शिकस्त दी, लेकिन इसके बाद राजेश पायलट व अशोक गहलोत की दुश्मनी ज्यादा बढ़ गई। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए गहलोत के पास राजेश पायलट का यह विरोध ही काफी था। पिता के विरोध का खामियाजा बेटे सचिन को 20 साल बाद 2018 में भुगतना पड़ा। राजेश पायलट की मौत के बाद उनके बेटे सचिन पायलट की भी अशोक गहलोत से अदावत जारी रही। 2013 तक
सचिन पायलट सांसद व केंद्रीय मंत्री होने के नाते दिल्ली की राजनीति करते रहे। 2013 के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद जनवरी 2014 में सचिन पायलट को राहुल गांधी की पसंद के तौर पर राजस्थान भेजा गया। सचिन पायलट के पीसीसी चीफ बनने के बाद राजस्थान कांग्रेस संगठन में अशोक गहलोत का दखल काफी कम हो गया। 2017 के गुजरात प्रभारी रहते कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से अशोक गहलोत की दिल्ली में पुनः दखल बढ़ गई। उन्हें संगठन महासचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। राजस्थान में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए। पीसीसी चीफ और राहुल गांधी की पसंद होने के नाते सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन आखिरी पलों में विधायकों की बहुमत के कारण अशोक गहलोत बाजी मार गए। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ 2020 में बगावत की थी, लेकिन करीब 35 दिन तक विधायकों की बाड़ेबंदी के बाद अशोक गहलोत ही उस बाजी को जीतकर सरकार बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम का पद गंवाना पड़ा। राजस्थान में 25 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे बताया जा रहा है कि आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले चुका था और अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में जादूगर ने खुद को सारे खेल से अलग दिखाते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के इरादों पर पानी फेर दिया। तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पायलट से दूर रह गई। अब भी हालात जिस दिशा में जाते दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर गया है। खानदानी दुश्मनी के बाद पायलट को सीएम बनने से रोकने में अशोक गहलोत को सफलता मिलने की दूसरी सबसे बड़ी वजह उनकी विधायकों में अच्छी पैठ होना रहा। गहलोत लंबे समय से प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ है। गहलोत एक कुशल रणनीतिकार व प्रबंधक भी हैं। अधिकांश नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। चुनाव जीत कर आए अधिकांश विधायक भी उनके समर्थक हैं। पर्याप्त विधायकों के समर्थन के बल पर ही गहलोत तीसरी बार न केवल सीएम बन पाए बल्कि बीते साल आला कमान की इच्छा के विरुद्ध अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। जबकि सचिन पायलट समर्थक विधायक कम रहे, उनमें से भी आधे विधायकों ने पाला बदल लिया और वे गहलोत खेमे में चले गए। इस प्रकार पायलट को विधायकों से भी धोखा ही मिला। इसी वजह से पायलट सीएम कुर्सी की दौड़ में पिछड़ गए। पायलट को पटकनी देने में गहलोत इसलिए भी कामयाब हुए कि उनके गांधी परिवार से बहुत गहरे रिश्ते हैं। गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार भी माने जाते हैं। इसीलिए आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाने में सचिन के बजाय गहलोत को तवज्जो दी। सचिन को शायद अपने पिता राजेश पायलट के सोनिया गांधी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की कीमत चुकानी पड़ी। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। माना जाता है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए जिस तरह से फंड की व्यवस्था करते हैं वैसी व्यवस्था दूसरा कोई मुख्यमंत्री या नेता नहीं कर पाता। पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है, अधिकांश राज्यों में भी उसकी सत्ता नहीं बची। लगातार हार के कारण पार्टी को पर्याप्त चंदा भी नहीं मिल रहा, इसलिए पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है। ऐसे में पार्टी की निर्भरता गहलोत पर बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब गुजरात हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए अधिकांश पैसे का प्रबंधन अशोक गहलोत ने ही किया था। भविष्य में भी पार्टी को फंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पार्टी नेतृत्व का अशोक गहलोत को दरकिनार कर पाना मुमकिन नहीं है। पांचवी वजह है, कोई भी नेता या व्यक्ति अपने पद को त्यागना नहीं चाहता। अशोक गहलोत भी इसके अपवाद नहीं है, इसलिए वे मुख्यमंत्री पद को आसानी से कैसे छोड़ेंगे? अगर वे अपना पद छोड़ते हैं तो क्या करेंगे? संन्यास तो वे लेंगे नहीं। हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर पार्टी की ओर से उन्हें दिया गया, लेकिन अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही उनसे सीएम की कुर्सी छीनी जा रही थी। वे सीएम तो थे, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जीतने की क्या गारंटी थी? इसलिए
उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बजाय मुख्यमंत्री बने रहना ही मुफीद लगा। इसीलिए उन्होंने आलाकमान की मनसा के विरुद्ध निर्णय किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस संगठन काफी कमजोर हुआ है। बहुत से नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, आलाकमान का इकबाल भी घटा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को हटाने और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक गहलोत को हटा पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि 3 बार मात खा चुके सचिन पायलट भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसके बजाय वे लगातार अशोक गहलोत को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। वे जब तब राज्य सरकार के विरुद्ध बयानबाजी कर इसे असहज करते रहते हैं। पायलट चाहते हैं कि किसी भी प्रकार एक बार सत्ता की चाबी उनके हाथ आ जाए तो वे अगले विधानसभा चुनाव में स्वयं टिकट बांटें तथा अधिक से अधिक संख्या में अपने समर्थक प्रत्याशियों को जिताकर लाएं ताकि उनकी पुनः ताजपोशी हो सके। अब देखना यह है कि सचिन पायलट अपने सीएम बनने के मंसूबे में कामयाब होते हैं या नहीं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें अवश्य बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ ऑल को दबाना न भूलें। जय हिंद।